इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग फेरी लाइट्स पे इस दिवाली कैसे हाई अमाउंट ऑफ मनी सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने सेव किया है. एंड मैं ऑलवेज तरीके ढूंढते रहती हूँ कि कैसे पैसे बचाए जाए और उसको प्रॉपरली कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगी. बट पैसे सेव कैसे करे जाए फेरी लाइट्स पे ये बता देती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. एंड मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सी फेरी लाइट्स इस बार खरीदी है. सो दीज आर द फेरी लाइट्स दैट वी ब्रॉट एंड दीज आर इंडियन फेरी लाइट्स, दीज आर नॉट चाइनीज बिकॉज देयर क्वालिटी इज मच सुपीरियर और ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती है. दूसरे चीज इसमें एक ऑप्शन आता है सोल्डर करने का. सो दिस टाइम वी आर गेटिंग एन ऑप्शन कि अगर फेरी लाइट जल्दी खराब हो जाती है, दैट मीन्स अगर एक बल्ब खराब हो जाता है कोई भी एक तो पूरी फेरी लाइट खराब हो जाएगी. तो इस बार ऑप्शन क्या रहा है, एक ब्लैक बॉक्स लग के आ रहा है इसमें जिससे आप फेरी लाइट सोल्डर करा सकते हैं, दैट मीन्स कि वो रीयूज हो सकती है अगर एक बल्ब ही खराब हो जाता है तो. ओके सो बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा बिकॉज वी डोंट वांट टू यू नो परचेज फेरी लाइट्स एवरी ईयर. आई डोंट वांट टू परचेज एवरी ईयर बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड ये मुझे 140 रुपये का बताया गया था लोकल मार्केट में एंड आई बॉट इट डाउन टू 100 रुपीज पर फेरी लाइट. सो मैंने 10 फेरी लाइट्स ली थी जिसमें मेरे को ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी कि पहले से भी पड़ी थी तो मेरे को और ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए मैंने 10 ही ली थी. तो 10 फेरी लाइट्स में आप सोचिए मैंने 400 रुपये तो परचेजिंग में बचाया बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग इन दीज फेरी लाइट्स. एंड सेकेंड थिंग यू नीड टू चेक द क्वालिटी ऑफ द फेरी लाइट ऑल्सो बिकॉज जो इंडियन वाली फेरी लाइट होती है उसकी तार काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और मोटी तार होती है. ओके एंड द रेंज विल ऑब्वियसली बी लिटिल हाई. सो 140 जो बता रहे हैं उसमें आप बार्गेन डाउन कर सकते हैं. मैंने 100 रुपये में एक फेरी लाइट खरीदी, दैट इज़ अ रिसेंट अमाउंट. आई हैव सेव्ड 400 रुपीज़ इन 10 फेरी लाइट्स. सेकेंड थिंग मैंने एक ऑप्शन होल्डर वाला लिया तो नेक्स्ट टाइम आई कैन री यूज़ दैम. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेस्ट बिकॉज चाइनीज वाली लाइट जो है 55-60 रुपये की आती है और वो शायद घर आते आते तक खराब हो जाएगी. कैन नॉट से दैट. नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हेनेवर यू परचेजिंग दीज लाइट्स यू शुड ऑलवेज गेट दैम चेक्ड बिकॉज घर आने के बाद इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है. आप इसे चेक जरूर करा लिया करिए बिकॉज मार्केट में इतना ज़्यादा स्कैम रहता है इस चीज़ को लेकर के कि अगर आप घर भी आएंगे और फिर ख़राब निकली तो आप वापस नहीं कर पाएंगे. जैसे कि मैंने सारी चेक कराई फिर भी मेरी ख़राब निकल गई. दिस इज़ व्हाट दे डू. मतलब वो बीच में कहीं ना कहीं ये गड़बड़ डाल ही देते हैं. आप जितना भी सेफ्टी बरते एक पीस गड़बड़ डाल सकते हैं. बट ये है कि अगर सही हो जाएगी तो आई डोंट हैव टू वरी दैट मच बिकॉज आप बार बार शॉप पे जाकर एक्सचेंज नहीं कर सकते. दूसरी चीज़ ये कि व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग फेरी लाइट्स इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल देम. यू डोंट नीड टू यू नो डिपेंड ऑन एनीबॉडी टू गेट देम इंस्टॉल बिकॉज इधर इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. एक फेरी लाइट लगाने का 110 रुपये चार्ज किया जाता है. दैट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मी क्योंकि मैं हर बार 20-25 फेरी लाइट्स लगाती हूँ तो मेरा कम से कम 2,500 रुपये तो इसी में निकल जाएगा टेक्नीशियन को इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रीशियन को देने में. कि मतलब एक फेरी लाइट का 110 रुपये दैट इज़ अ वे टू बिग अमाउंट फॉर मी टू पे 2,000 रुपीज़. तो ये हो गया कि मैं 10-20 अगर लगवा रही हूँ तो मेरे को कम से कम 2,000 रुपये देना पड़ेगा जो मैं बचा लेती हूँ बिकॉज मैं खुद फेरी लाइट्स लगाती हूँ. मैं किसी की मदद नहीं लेती और कैसे लगाती मैं बता देती हूँ आपको. ऑल यू नीड इज़ सिजर्स, सम टेप, यू नीड अ मैच स्टिक, कैंडल एंड अ क्लॉथ, डर्टी क्लॉथ. ओके सो आपको क्या करना है कि इसके दो एंड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आई एम नॉट वेरी गुड एक्सप्लेनिंग बट आई होप आई कैन हेल्प सम पीपल हु वुड वॉन्ट टू ट्राई दिस. बट प्लीज़ ट्राई विद प्रिकॉशन बिकॉज बिजली ऐसी चीज़ नहीं जिससे आप खेलें और आप मतलब बिना प्रिकॉशन के ऐसा कुछ मत करिएगा बिकॉज प्रिकॉशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें करंट लगने के चांस भी रह सकते हैं. तो ऐसा मत करिएगा कि आप ऑन करें और प्लग और उसके बाद आप ये सब काम करें, स्विच ऑफ करके ही करिएगा जो भी करिएगा. सो देर आर टू एंड्स, वन इज़ पॉजिटिव वन इज़ नेगेटिव. तो आपको दोनों को छीनना है, ये कॉपर वायर बाहर निकल आता है एंड यू नीड टू टेक एन एक्सटेंशन वायर जो आपके मेन प्लग तक जाएगा. एक्सटेंशन वायर में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग तारें जोड़नी है. ओके सो इफ द एक्सटेंशन अलग से एक वायर आएगा उसमें आपको एक जगह ये जोड़ना है एक जगह ये जोड़ना है. जस्ट नीड टू यू नो ट्विस्ट द वायर्स अलॉन्ग विद अदर्स. सो जितनी भी फेरी लाइट्स हैं सब एक ही कनेक्शन में, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव. ओके सो इस तरह से आप उसे जोड़ देंगे और उसके बाद बस आपको सिर्फ फेरी लाइट्स टांगनी है और कुछ नहीं करना है. चाहे तो पहले टांग लीजिए उसके बाद आप कनेक्शन सेट करिए, दैट इज़ अप टू यू. और मैंने खुद लगाई है और मैंने पैसे बचाए इसमें. आई एम रियली हैप्पी विद दिस थिंग एंड मैंने सोचा ये आपसे शेयर करना चाहिए कि आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस पर रादर दैन लीविंग इट टू समबडी एल्स. एंड यू कैन यू नो इन्वेस्ट दैट अमाउंट टू सम अदर गुड पर्पस और सम अदर थिंग यू वॉन्ट टू बाय. सो 2,000 to 2,500 रुपीज़ इज़ अ डिसेंट अमाउंट एंड आई विल शो यू ऑल्सो हाउ आई हैव इंस्टॉल्ड द फेरी लाइट्स. सो लेट्स क्विकली गो अपस्टेयर्स एंड टेक अ लुक हाउ आई हैव इंस्टॉल्ड दिस. हम लोग ऊपर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फेरी लाइट्स लगी हुई है. देखिए
सो दिस इज़ वॉट आई हैव इंस्टॉल्ड, इट्स नॉट अ बिग डील. मैंने बहुत डिसेंट तरीके से लगाया, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं लगाना पसंद है मुझे, तो मैंने बहुत डिसेंटली रेड कलर की लाइट्स लेकर के ईजिली लगा दिया. और ऊपर इन्वर्टर की क्लिप पिंस आती हैं, ये क्लिप्स आती हैं इन्वर्टर की, आप देख सकते हैं, इससे आप ईजिली इसको फिक्स कर सकते हैं ताकि मूव ना करें. ओके, एंड यू कैन सी यहाँ से नीचे मैंने रोल कर दिया बिकॉज मैंने साइज़ जो सोचा. ओके, सो दिस इज़ माई हाउस एंड इट्स रियली इनविजिबल बिकॉज ऑफ द ट्रीज आसपास, सो इट्स नॉट एट ऑल विजिबल फ्रॉम द फ्रंट बिकॉज यहाँ पेड़ बहुत आ गए सामने. तो मैंने सिर्फ 8-9 लाइट्स ही लगाई जो कि विजिबल है, एंड आई थिंक आई हैव डन अ डीसेंट जॉब. एंड वन थिंग मोर कि मैंने सोचा था ये साइज इसका इज़ नॉट 15 मीटर्स, बट एक्चुअली इट केम आउट 15 मीटर्स. मार्केट में काफ़ी लोग ड्यूप कर रहे हैं ये बोल के कि जो 10 मीटर वाली फेरी लाइट है वो 15 मीटर की बता के दे रहे हैं. तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब फेरी लाइट आप ले रहे हैं तो उसका लेंथ मैटर करता है, कितनी लंबी फेरी लाइट है, बिकॉज अगर बहुत छोटी होगी तो लगेगी नहीं. सो 15 मीटर की फेरी लाइट मेरे थर्ड स्टोरी से लेकर नीचे तक ईजिली लग जाते हैं, सो आई वुड गो फॉर 15 मीटर्स. अगर आपका बहुत बड़ा मकान नहीं है, छोटा मकान है जिसका 2 स्टोरीज है, तो आप 10 मीटर्स में आराम से आपका हो जाएगा. ओके, अदरवाइज फॉर 3 स्टोरीज यू नीड एटलीस्ट 15 मीटर्स. सो दिस इज़ हाउ आई हैव सेव लाइक अराउंड 2000 रुपीज़ ऑन फेरी लाइट्स. और अगर आप और भी ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं जिससे आप घर बैठे काफ़ी सारी चीज़ों को एज अ मीडियम ऑफ अर्निंग मनी या बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बिकॉज मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी और ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे यू कैन अर्न मनी बाय सिटिंग एट होम. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद माई वीडियोज.